हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं वीओ लम्हे यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में देखिए अब तक दिव्यंका त्रिपाठी ने किन किन टीवी सीरियल्स में काम किया है। दिव्यंका त्रिपाठी का जन्म 14 दिसंबर 1984 में भोपाल में हुआ है और दिव्यंका ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत दूरदर्शन के एक टेलीफिल्म से की थी। स्टार प्लस के विरासत में भी नजर आई थी वो। और फिर 2006 में दिव्यंका ने जी टीवी के सीरियल बनू में तेरी दुल्हन में लीड रोल किया था। इस सीरियल में दिव्यंका को बहुत सफलता मिली थी। इस शो में दिव्यंका ने विद्या का किरदार निभाया था। फिर 2009 में स्टार वन के हॉरर शो इंतजार में राधिका और मीरा का किरदार निभाया था। फिर 2010 में सब टीवी के कॉमेडी सीरियल मिसिस और मिस्टर शर्मा इलाहाबाद वाले में लीड रोल किया, जिसमें दिव्यंका ने रश्मि का किरदार निभाया था। फिर 2011 में सब टीवी के ही कॉमेडी सीरियल चिंटू सिंह की और एक बड़ी सी लव स्टोरी में लीड रोल किया, जिसमें दिव्यंका ने सुमन का किरदार निभाया था। फिर 2011 में ही सोनी टीवी के सीरियल अदालत में कुमुद का किरदार निभाया था। फिर 2012 में स्टार प्लस के सीरियल तेरी मेरी लव स्टोरी में एपिसोडिक रोल किया था, जिसमें निकिता का किरदार निभाया था। फिर 2013 में सावधान इंडिया में एपिसोडिक रोल किया था, जिसमें दिव्यंका ने रेशम का किरदार निभाया था। और फिर 2013 में स्टार प्लस के यह मोहब्बतें में लीड रोल किया, जिसमें दिव्यंका ने इसी तरह का किरदार निभाया था। ये शो दिव्यंका का सबसे ज़्यादा वक्त तक चलने वाला शो रहा है। ये शो दिव्यंका ने 2013 से 2019 तक किया है और यह मोहब्बतें के एंड के बाद यह मोहब्बतें के स्पिन ऑफ सीरियल यह चाहते में कैमियो रोल किया था। और फिर 2016 में लाइफ ओके के शो बहू हमारी रजनीकांत में एक कैमियो रोल किया था, जिसमें दिव्यंका एक टीवी रिपोर्टर बनी थी। ये है अब तक के दिव्यंका त्रिपाठी के टीवी सीरियल, जिसमें उन्होंने दमदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीता है। और दिव्यंका का कौन सा सीरियल आया है आपको सबसे ज़्यादा पसंद, कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।